एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने अपनी उम्र से 10 साल बड़े टीवी एक्टर वत्सल सेठ से मुंबई के इस्कॉन टेंपल में गुपचुप शादी की। हालांकि शादी में गिने चुने लोग ही शामिल हुए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इशिता की बड़ी बहन और एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता इस शादी में नहीं पहुंची। अब इसका क्या रीजन था, जरा सुनिए। एक करीबी सोर्स के मुताबिक तनुश्री की एब्सेंस कोई डाउटफुल बात नहीं है, बात सिर्फ यही है कि वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही हैं। क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ इसलिए वो नहीं आ सकी। इन दिनों तनुश्री अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और ये उनकी एब्सेंस के पीछे का एक कारण हो सकता है। हालांकि इशिता ने शादी की रस्म से पहले अपनी बड़ी बहन से बात की और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। आपको बता दें कि इशिता दत्ता ने हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बहन तनुश्री फिलहाल यूएस में है, जहां वो योगा करती हैं और बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट कुछ इवेंट्स में भी जाती हैं। और तो और आपको ये भी बता दें कि इशिता दत्ता की बहन तनुश्री दत्ता पिछले 7 सालों से फिल्मों से दूर है। पिछली बार वो साल 2010 में आई फिल्म अपार्टमेंट में नजर आई थी। हालांकि ये उस वक्त उनकी कमबैक फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिल्म चॉकलेट और आशिक बनाया आपने जैसी फिल्मों में जबरदस्त बोल्ड सीन देकर तनुश्री सुर्खियों में आई, लेकिन उनकी ये फिल्में भी फ्लॉप रही। खैर, अब तनुश्री का अपनी बहन की शादी में ना आने के पीछे असली कारण क्या रहा होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन तनुश्री इशिता की शादी में नहीं आई ये वाकई में काफी हैरान कर देने वाली बात है।